तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चली आप लोग रैंक पुशिंग, कमेंट करके जरूर बता देना। फिलहाल देखो नया सीजन स्टार्ट हो गया और पहले दिन से मैं बोलूँगा स्ट्रेटजी बना लो किस हिसाब से खेलना है। और मेरा वीडियो देख रहे हो तो भाई कसम से बोलो आप लोगों का हर एक बंदे का कॉन्करर मैं करवा के छोड़ूंगा। जो भी टिप्स मैं बताऊँगा ना भाई डेफिनेटली कॉम मतलब जो है ना मेंटेन करना तो आराम से हो जाएगा भाई। जिस भाई का भी अगले सीजन मतलब पिछले सीजन में नहीं हुआ ना तो इस सीजन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं जो भी बताऊंगा ना थोड़ा सा फॉलो करना और कितना टारगेट वगैरह दूंगा पॉइंट का वो भी थोड़ा फॉलो कर लेना तो डेफिनेटली हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। तो फिलहाल देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फाइट वगैरह देख लो और उसके बाद ना मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो फिलहाल यहाँ पे सीन देखो, यह इधर साइड से ना फायरिंग का साउंड आ रहा था तो इस भाई को स्पॉट करके इजी किल कर देते। और सामने भी थोड़ा सा ना बॉट वगैरह का फाइट हो रहा था और एक बंदा रियल भी था तो उसको ही किल करने के लिए मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ। और बंदा जब स्पॉट होता है ना तो यहाँ पे सीन देखो, तो फाइनली इस बंदे को भी मतलब इस भाई को भी किल कर देते पर भाई ने अच्छा खासा डैमेज दिया था। तो सबसे पहले अपना हीलिंग वीलिंग करके ना थोड़ा सा लूट और कर लेते। और लूट करते करते ना मैं इस साइड आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक बग्गी का साउंड आता है, एक बंदा आके रुका था। और फिलहाल इस भाई के साथ फाइट वगैरह देख लो आप लोग। तो फिलहाल यहाँ पे इस भाई को भी आराम से किल कर देते, हो जाता है 3 किल यहाँ पे। और जो भी स्ट्रैटेजी है ना आप बता देता हूँ कैसे क्या कमलक करना है। और देखो भाई बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं भाई इतना मतलब कॉन्करर पुश करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाई मैं खुद एक लो एंड डिवाइस प्लेयर हूँ, 40 FPS पे खेलता हूँ, सबको पता है, फिर भी मैं कर रहा हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो फिलहाल देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो ये वाला रिकॉल पे उतरना है इवेंट पे। और इवेंट पे देखो जितना हो सके 2-3-4 किल निकालो, उसके बाद देखो फिनिश हो जाते हो तो अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात क्या बोलूँ, मतलब उधर से निकल जाओ, मतलब कहीं जोन के बाहर जाके थोड़ा सा जोन सर्वाइव कर लो और उसके बाद ना आप लास्ट जोन में जाके किल निकालना। और ऐसा भी कर सकते हो जैसे कि मैं करता हूँ, देखो यहाँ पे जितना हो सके किल निकालता हूँ और मतलब फिनिश होने का ट्राई तो मैं नहीं करता हूँ, मतलब रिकॉल बचाने की ट्राई करता हूँ। और उसके बाद देखो ब्रिज कैंप वगैरह बनता है ना, मैं सबसे पहले देखो 2-3 किल जितना मिलता है ले लेता हूँ। और उसके बाद ये वाला गेम प्ले भी देख सकते हो, ब्रिज कैंप बना था तो उसके हिसाब से मैं ब्रिज के लिए निकल पड़ा। और भाई मैं जब भी यहाँ पे वॉइस ओवर वगैरह करता हूँ ना तब भी सलाह गाड़ी मतलब गाड़ी वगैरह का साउंड आ जाता है, कोई नहीं। यहाँ पे देखो सीन, यहाँ पे जो सीन मैं बता रहा था और कितना टारगेट लेना है, देखो अभी लो टायर पे हो सब प्लैटिनम या डायमंड पे पहुँच चुके होगा आप लोग। मैं तो अभी डायमंड में पहुँचा हूँ, बस 5 अभी पहुँचा हूँ जब मैं वीडियो एडिट करें उसके पहले। और ये वाला गेम प्ले मेरा पहला गेम प्ले तो इससे ही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस हिसाब से खेलना है। सबसे पहले देखो सर्वाइव पे ज़्यादा फोकस करना होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सर्वाइव नहीं करोगे ना तो प्लस नहीं मिलेगा। क्योंकि जितना भी किल कर लो तो टॉप 20 टॉप 50 पे मर जाओ या 20-30 पे भी मर जाओगे ना तो आपको बिल्कुल भी प्लस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको भाई बिल्कुल सर्वाइव करके ही खेलना होगा, जितना किल मिले भाई फ्री का किल उठाओ। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि ऑन बी ऑन का फाइट इग्नोर करो। और एक चीज़ की सबके अंदर एक डाउट रहता है कि भाई कॉन्करर करने के लिए ना रश वगैरह करना पड़ता है, तो रश खेल के कॉन्करर नहीं कर सकते, आपको सर्वाइव करके कॉन्करर करना होगा। यही टिप्स स्ट्रेटजी यूज़ करो, आराम से आप लोगों को कॉन्करर हो जाएगा। और कुछ भी डाउट है ना आप कॉमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल देखो ब्रिज का आने का यही फायदा है भाई, मतलब इजी गाड़ी से बंदा उतर सकते हो, आपका स्प्रे वगैरह थोड़ा सा सही है ना तो इजी बंदे को उतर सकते हो। तो फिलहाल देखो जो मैं बात कर रहा था कितना टारगेट वगैरह चाहिए, देखो अभी तुम 150 के आसपास प्लस निकालो डेली का, कोई दिक्कत नहीं है और आराम से खेलो भाई। मतलब एक चीज़ और की डाउट है सब लोग भाई, सोलो में करना चाहिए, डुओ में करना चाहिए, स्क्वाड में करना चाहिए। देखो सोलो डुओ कर सकते हो, स्क्वाड में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, स्क्वाड में बहुत ज़्यादा पॉइंट चाहिए हो रहता है इसलिए। और सोलो में कर रहे हो ना तो भाई सीजन के एंड तक नहीं हुआ ना सीजन के एंड तक खेलना, डुओ में कर रहे हो सीजन के एंड तक खेलना भाई, बीच बीच में चेंज करोगे, कभी सोलो खेलोगे कभी डुओ खेलोगे तो भाई कॉन्करर नहीं लगने वाला, ये बात याद रखना। फिलहाल तो इस भाई का क्या मतलब सीन था मेरे को खुद नहीं पता, भाई शायद बच सकता था उधर से भाग जाता तो, पर पता नहीं भाई इधर ही आया और इजी भाई को फिनिश कर दिया। यहाँ पे मेरा 6 किल हो चुका है, #9 भी सर्वाइव कर लिया हो, बस मेरे को और थोड़ा सर्वाइव करना है। #5 से पहले तो भाई किल नहीं होना, यही स्ट्रेटजी बनाओ, हर एक मैच में #5 कम से कम सर्वाइव करना ही होगा, या #10 ये सर्वाइव कर सकते हो ना तो हर एक मैच में आपको अच्छा खासा प्लस मिलेगा। तो फिलहाल देखो यहाँ पे मैं बहुत देर तक होल्ड करता हूँ ब्रिज पे
और उसके बाद मैं ब्रिज से निकल जाता हूँ, क्योंकि अभी देखो ब्रिज में जोन नहीं था और ऊपर से भाई इतना छोटा जोन हो चुका था, तो सबसे पहले जोन में निकलना ज़रूरी है। एंड जोन में जोन सर्वाइव, मतलब थोड़ा सा पहले जोन सर्वाइव कर सकते हो थर्ड जोन तक, फोर्थ जोन या फिफ्थ जोन, मतलब फोर्थ जोन में कोशिश करना जोन के अंदर एंट्री लेना, फिफ्थ जोन में जोन के बाहर रहना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो यही सीन है, और उसके बाद देखना भाई कैसे मैं यहाँ पर सर्वाइव निकालता हूँ। पीछे साइड से भी बंदा वगैरह फायर कर रहा था, तो इसके लिए भाई थोड़ा सा कवर टू कवर खेलना है, और हमेशा जहाँ पे भी जा रहे हो ना आसपास देख लो कहीं पे बंदा है कि नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा था एक गाड़ी था, और मतलब एक भाई का साउंड भी आ गया था, तो इसलिए मैं उधर भी नहीं रुकता और कहाँ पे जाके होल्ड करता हूँ और क्या सीन होता है बस देखो यहाँ पे। तो फिलहाल देखो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, सामने वाले घर पे बंदा था और यहाँ पे मैं एक मिस्टेक करने वाला हूँ, मतलब गलती वाला हड़बड़ी में मैं गलती कर देता हूँ। तो देखना सबसे पहले यहाँ पे नेट वगैरह मैं ट्राई करता हूँ बंदे को किल करने के लिए, पर अच्छा खासा डैमेज शायद पड़ा होगा इस वाले नेट से, पर बंदा यहाँ पर फिनिश नहीं होता, तो मैं दो चार नेट और ट्राई करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे दो नेट ड्राई करने के बाद ना कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैं सोचता हूँ अभी रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला जो बंदा था ना किसी और पे फायरिंग वगैरह कर रहा था, और बंदा मतलब अच्छा खेल रहा था, क्योंकि मैं जब खेल रहा था ना ये बंदा हैशटैग ऑन पे बैठा हुआ था, तो उसके हिसाब से तो भाई मतलब समझ लेगा कि लो एंड डिवाइस में कितना दिक्कत होता है। ऊपर से भाई गोली वगैरह बहुत ज़्यादा अटक रहा है अभी मेरा, तो सामने वाला बंदा जब ये स्प्रे लेता ना तो फिर सीधा मैं रेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर सीन देखना, फिलहाल यहाँ पे मैं फाइट इजी हार जाता हूँ क्या ही बोल सकते हैं, पर देखो यहाँ पे हैशटैग फोर सर्वाइव किया था 6 किल के साथ, प्लस देखो भाई 27 का प्लस, और क्या ही चाहिए। इसी भी वजह से मैं बोलता हूँ देखो हमेशा चिकन नहीं मिलता, पर हमेशा प्लस निकाल सकते हो, इसी हिसाब से स्ट्रेटजी से खेलो, और हमेशा देखो भाई रश करके खेलने की जरूरत नहीं, सर्वाइव जितना करोगे ना उतना प्लस भाई, इसका प्रूफ मैं हमेशा मतलब देता हूँ गेम प्ले में। और भाई मतलब आज आपके पास अच्छा खासा डिवाइस नहीं है ना तो भी कर सकते हो सर्वाइव करके, बस थोड़ा स्ट्रेटजी लगाना पड़ता है। और मैं जितना भी टिप्स एंड ट्रिक दूंगा ना वीडियो के एंड तक हर वीडियो देखना, और भाई उसको अप्लाई करना अपने गेम प्ले में, देखना डेफिनेटली प्लस मिल जाएगा। तो फिलहाल ये भाई उसके बाद यहाँ पर रैंक वगैरह भी देख लो, और रैंक यहाँ पर देखो इतना कुछ खास मतलब मैटर नहीं करता अभी के टाइम पर, क्योंकि अभी भाई रैंक बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, क्योंकि 10 मिनट छोड़ दोगे ना तो भाई 1000 के बाहर चला गया। मैं भाई 500 पे रैंक छोड़ा था, थोड़ी देर बाद देखा भाई 800 रैंक चला गया था, ऐसा सीन है। तो जो भी सीनों का वीडियो के बैक टू बैक पता चल जाएगा वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही था आज के वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक कर देना, और चैनल पे नया आए ना तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।